कलर्स टीवी पर 2023 में हमें एक फैंटेसी शो देखने को मिला था। शो का नाम था बेकाबू। इस शो में हमें ईशा सिंह और शालीन बानोत की जोड़ी देखने को मिला था, जो फैंस को काफी ज्यादा इस शो ने एंटरटेन किया था। शुरुआत में इस शो के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इस शो में एक बिल्कुल फ्रेश कहानी हमें देखने को मिल रही थी। इस शो में हमें परी और राक्षस की कहानी देखने को मिल रहा था। इस शो की जो ओपनिंग थी अभी वो 1.3 निकल के आया था, तो काफी ज्यादा इस शो का धमाकेदार ओपनिंग रहा था। इस शो में उनके अलावा मोनालिसा, सुधा संदन जैसे टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार्स हमें देखने को मिला था। लेकिन कुछ वक्त बाद ही इस शो का जो टीआरपी है उसमें बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। इस शो का टीआरपी सिर्फ 1.0 और 0.9 ही निकल कर आ रहा था। ये शो हमें वीकेंड पर देखने को मिलता था 9 बजे के टाइम स्लॉट पर कलर्स टीवी पर। लेकिन इस शो का जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा लो निकल कर आ रहा था। शो की बजट बहुत ही ज्यादा था। शो में बहुत अच्छा वीएफएक्स देखने को मिला था, उसकी वजह से बाद में इस शो का जो टेलीकास्ट है वो टीवी पर खत्म कर दिया गया और इस शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर शिफ्ट कर दिया गया था। जियो सिनेमा पर भी ये शो हमें सिर्फ 4 या 6 एपिसोड ही देखने को मिला। फैंस को लगा था कि इस शो का बहुत बड़ा सफर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस शो का हमें टोटल सिर्फ 40 एपिसोड ही देखने को मिला बेकाबू का। जियो सिनेमा पर हमें बेकाबू का सीजन 2 देखने को मिला था। कहानी को पूरी तरह से बदल दिया गया था ओटीटी पर। इस शो का जो लास्ट एपिसोड है वो हमें 6 अगस्त को देखने को मिला ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर। बेकाबू के सीजन 2 के खत्म होने के बाद बेकाबू सीजन 3 को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। क्या बेकाबू का सीजन 3 आ सकता है? अगर किसी भी सीजन का जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा अच्छा निकल रहा आता है, तभी उस शो का बिल्कुल नया सीजन आता है। लेकिन बेकाबू का तो टीआरपी काफी ज्यादा कम निकल गया था। इस शो का हाईएस्ट टीआरपी से 1.3 निकल गया था और लोएस्ट टीआरपी 0.8 तक पहुंच गया था। तो नहीं लगता है कि बेकाबू का 3rd सीजन आ सकता है टेलीविजन पर। लेकिन बेकाबू सीजन 3 का वेब सीरीज आने वाला है। ये शो हमें देखने को मिलेगा ऑल बालाजी पर। इस शो में हमें देखने को मिलेगा आपके फेवरेट राहुल, सुधीर और रिया सेन। कम चांसेस है कि बेकाबू का सीजन 3 हमें टेलीविजन पर देखने को मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी क्या बेकाबू का सीजन 3 आता है या नहीं। तो आप कितना ज्यादा मिस करते हैं आपके फेवरेट ईशा सिंह और शालीन बानोत को कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।